Hello everyone, I am Mahke Mishrik and you are watching on Bollywood Ka Khabri page. Today we are here for taking the live interview of Pankaj Bhatia. He did many shows and we are going to connect it with him today. Hello everyone. Hi Mehak, how are you? Good evening. Hello, good evening. How are you? I'm good, absolutely fine. Sir, आपका फेस नहीं दिख रहा है. मेरा फेस नहीं दिख रहा है. जी. आजकल लॉकडाउन के कारण काम नहीं है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है. ये मेरे भी यहाँ पे मुझे पिक्चर जाम नजर आ रही है. I don't know. My internet connection is full. What should I do? I should send me a request again, please. Yes, sir. Sure. Abhi theek hai? Yeah, abhi dikh raha hai. Okay. Hi, how are you? I'm good. How are you? Good. Absolutely fine. So, how was your lockdown? भगवान ना करे ये दिन फिर देखने पड़े. हालत हो गई है. मतलब एक वो टाइम था जब वो स्ट्रगल के दौरान झाड़ू पोछा किया करते थे. अभी क्या है कि अफोर्ड भी कर सकते हैं, भाइयां तो किसी को बुला नहीं सकते, तो खुद अभी सेल्फ मेड हैं घर के अंदर, खुद ही भाई बने पड़े हैं अपने. सब खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑन आवर ओन. बट एक लॉकडाउन में हाँ जी प्लीज. वो सही भी है, मतलब घर में अभी सेफ रहना. हाँ नहीं, घर के अंदर सेफ रहना, ऐसा यूएस जैसा फील आ रहा है. मेरी बीवी मुझे हमेशा बोलती थी कि हम लोग ऐसे इंडिया में बैठे हुए हैं, वी शुड गो टू यूएस. उसके मेरे काफी सारे रिलेटिव्स हैं यूएस में, तो वो बोलती थी कि हम लोग ऐसे यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हो, तुम चलो तुम यहाँ से, हम लोग यूएस चलते हैं, ये वो. तो अभी लॉकडाउन हुआ तो सारा काम खुद करना पड़ रहा था, मैं उसको बोलता था. मैंने कहा देखा, मोदी जी ले आए ना तुझे यूएस में, यूएस में भी सारा काम खुद करना पड़ता है. सही है, इंडिया में यूएस में आपको एक हर चीज में एक पॉजिटिविटी आपको ढूंढनी पड़ती है, नहीं तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अभी हालात ऐसे हैं तो नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, है ना. यू कैन नॉट पुट ए फैमिली टू रिस्क. अभी तो रिस्क लेना भी सही नहीं है, क्योंकि अभी तो ऐसा टाइम है, क्योंकि अपन को पता ही नहीं है कि अपन किससे लड़ रहे हैं, वो है कहाँ, वो दिख भी नहीं रहा है. ऐसा वायरस है नहीं, है इधर ही है ना. ये देखो, ये नाखूनों में है, आपके नाखून में है, या हाथ में है, नहीं तो जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, लिफ्ट के बटन्स में है, लिफ्ट के हैंडल में है, सब्जी वाला जो सब्जी दे रहा है तो उसकी थैली में है, सब जगह है, अपने को पता है किधर है, बट वी आर नॉट केयरफुल. मैंने एक्चुअली मैंने एक यूट्यूब का चैनल शुरू किया हुआ है जिसका नाम है वॉन्डरिंग सोल्स. और तो मैं तो खैर सितंबर से ही क्वारंटाइन में था, क्योंकि मेरे जो मेरा सीरियल है ये है मोहब्बतें, तो उसका शूट मेरा बंद हो गया था सितंबर में. आई स्टॉप्ड एक्चुअली शूटिंग फॉर दैट शो, तो जाके दिसंबर में बंद हुआ. तो उसमें ये हुआ कि आई वॉज सर्चिंग समथिंग, मैं क्या करूं कि अपने खाली टाइम को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि जब शूट भी होता है तो अभी एक्टिंग तो सीख चुके हैं, अभी जस्ट लाइंस याद करके डिलीवर करना होता है. तो वहां 12 घंटे में से आप ये लगा लो, अगर 12 घंटे हम कंप्लीट शूट कर रहे हैं तो 12 घंटे में से आपके 6 या 7 घंटे खाली जाते हैं. यूट्यूबर्स हैं, जब वो वीडियोस डालते हैं तो दे पोस्ट एवरी डे वन वीडियो. अभी मेरे साथ क्या है, मैं नया हूँ, नया नया मामला, तो मुझे अभी वो उसको कटिंग कैसे करना है, उसमें कहाँ पे. YouTube तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने का, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है अपन लोगों को उससे. जी बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो. सीरियल्स में मेरी ज्यादा लाइंस नहीं आती थी, यहाँ मुझे वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ही अकेला होता हूँ स्क्रीन पे. एंड इसका डायरेक्टर, एक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, और कुछ वीडियोस में तो ऑडियंस भी मैं ही होता हूँ. कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो लोगों को नहीं पसंद आते, जिससे व्यूज नहीं आते, तो खुद को ही देखने पड़ते हैं, बनाते बनाते 6-7 बार देख लेते हैं हम लोग. तो हाउ यू कम इन दिस इंडस्ट्री?
मैं यार, मुझे एक्चुअली एक्टिंग का शौक तो मुझे बचपन से था, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं सोर्स, जिसको कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी, तो जिसको ध्यान में रखकर हम लोग इधर आ सके हैं। तो बस करते करते मॉडलिंग करते करते कॉलेज में थोड़ी सी मॉडलिंग की, स्कूल में थोड़ी सी मॉडलिंग की, फिर उसके बाद धीरे 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 करते करते मैं एट द एज ऑफ 21 आई गॉट ए चांस फॉर ग्रासिम मिस्टर इंडिया। तो मिस्टर इंडिया में मैंने पार्टिसिपेट किया, सन 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद तो फिर ऐसा वो लग गया कि क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमें सिर्फ क्लर्क्स बना सकता है और कुछ नहीं बना सकता हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद किसी आप उसमें आप एडमिशन लीजिए, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेनी है आपको, तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपको गवर्नमेंट के किसी, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह के किसी इंस्टीट्यूट में आपको थिएटर डिपार्टमेंट में अगर आपको एडमिशन लेनी है, तो फिर क्या होता है, आप जब 5000 भी आपकी कमाने की वो होती है ना, कि नौकरी करके आप 5000 कमा सकते हो, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले जो लोग होते हैं ना, वो फिर वो बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं कि यार ये 5000 सफर करके, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, उस समय 5000 रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट होता था, जब आज के आप लगा लो 20-25 हजार के बराबर होता था 5000 की नौकरी उस समय। तो 5000 की नौकरी छोड़कर पढ़ाई लिखाई करे इंसान, तो वो घर वाले उस चीज के अलाउ नहीं कर रहे थे मेरे थिएटर वगैरह के लिए। तो फिर मैंने छोटी छोटी जॉब्स करके धीरे 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 करके मैं बॉम्बे आ गया, और मुंबई आके फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया अलॉन्ग विद द जॉब। फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद जॉब छोड़ दी एंड आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस एंड ऑल। अब धीरे धीरे करके महादेव की कृपा रही, पहुंच गए यहाँ तक। तो सबका कोई ना कोई गॉड फादर कहते हैं अपने इंडस्ट्री में, तो आपका कोई गॉड फादर है इंडस्ट्री में? यार मेरा मेरे गॉड फादर है, लेकिन मेरा गॉड अलग है और फादर अलग है, तो दोनों को जोड़कर मैंने गॉड फादर बनाया हुआ है। तो गॉड का आशीर्वाद हमेशा रहा है, और फादर साहब की डांट और डिसिप्लिन ने हमेशा मेरा साथ दिया। माय डैड नेवर वांटेड टू बी मी टू बी एन एक्टर समहाउ, तो उनको लगता था कि ये जहां पे भी जाता टाइम वेस्ट करके आ जाता है। तो बस उनको कन्विंस करने करने में काफी वक्त चला गया, फिर लड़ झगड़ कर आ गया इधर, तो जब एक्टर बन गया फिर ठीक ठाक हो गया सब कुछ। तो गॉड ने साथ दिया, तो फिर और फादर भी मेरे फिर मेरे साथ हो गए, तो फिर गॉड फादर अपने आप बन गया। यू डोंट नीड एक्चुअली अ गॉड फादर टू कम हियर। सो व्हाट इज द गुड साइड्स ऑफ दिस इंडस्ट्री? ऑल मेनी, ये जो जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, दीज ऑल आर द गुड साइड of the industry. You get a lot of love from people, and देखिए हर industry में good और bad रहता है, you know? हम अगर बोलें कि भाई कोई भी एक ऐसी field ले लो जो पूरा पाक साफ है, जहां पर कुछ ऐसे उल्टी सीधी किसी तरह की चीज ना हो, तो वो कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हम लोग मीडिया में हैं, हम लोग मीडिया से रिलेटेड हैं, तो हमारा ज्यादा जल्दी उभर कर आता है, है ना? अभी काली दाल में सफेद चना वो साफ दिखेगा, या आप लगा लो डोसे के ऊपर एक काला दाग बहुत बढ़िया से दिखता है, डोसे के आटे में कुछ भी काला पड़ जाए तो वो चीज होती है। तो हमारा ज्यादा जल्दी उभर कर आता है और कुछ नहीं है। बाकी लोग बोलते हैं जी इंडस्ट्री में बड़े डाइवोर्सेज होते हैं, या कहा नहीं, ऑल ओवर आप किसी गांव खेड़े में भी जाकर देख लीजिए, मियां बीवी की नहीं बनती है तो वो लोग अलग हो जाते हैं। तो देर आर गुड एंड बैड थिंग्स दोनों, और अच्छी चीज ये है इस इंडस्ट्री की, मेरे को जो देखिए मेरा, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग ऐसे हैं कि जो अपना दिल जो उनका करना चाहता है ना, वो कर नहीं पाते, उसको फॉलो नहीं कर पाते। और मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय गॉड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई गॉट दिस सक्सेस ऑल्सो, जो मेरे मन की इच्छा थी कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो मैं बन सका, है ना? बाकी अच्छे और बुरे लोग सब जगह हैं, तो इंडस्ट्री कोई खराब नहीं होती, काम कोई बुरा नहीं होता, सिर्फ हम ही लोग अच्छे बुरे होते हैं। सही है, क्योंकि वो इंडस्ट्री लाइमलाइट में है, इसलिए लोगों को पता पड़ता है कि वहाँ क्या हो रहा है, सबकी नजरें वहाँ हैं, बाकी तो सब जगह सब कुछ होता रहता है। हाँ, और हमारे इसमें फील्ड में एक चीजें जो कुछ थोड़ी बहुत खराब है, वो इस कारण भी होती है क्योंकि हर दूसरे आदमी को लगता है
every second person want to be an actor because of the wrong reasons. You know, लोग glamorized एक देख लेते हैं फिल्म देखने हाँ. शाहरुख खान की. हाँ, अभी शाहरुख खान तो एक बन गया, उसके पीछे 10 करोड़ शाहरुख खान खड़े हो गए. किसी के जिसके बाल शाहरुख खान जैसे लगते हैं वो भी अपने आप को शाहरुख समझता है, जिसकी आवाज उसके जैसी मिलती है वो भी उसको अपने आप को शाहरुख खान समझता है, और जिसका डायलेक्ट वैसा करके अगर कोई अगर इस तरीके से अगर उसको मिमिक करके बात कर सकता है ना, अभी उनके उनका वो प्लस पॉइंट उनका साबित हुआ है क्या, वो उनका नेचुरल स्टाइल है उनका बात करने का, है ना. अभी लोगों ने अपना स्टाइल वैसे, लोग अपना वैसा स्टाइल बनाकर लोग आ जाते हैं यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए. तो यू हैव टू पीपल हु आर planning to act or wanting to become actor, they have to be interested only and only in acting. Right? और क्या होता है कि ये सब जो चीजें मैंने आपको बताई कि लोग इंस्पायर होकर आ जाते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है, उससे दिक्कत ही हो जाती है कि सप्लाई तो इतनी है और डिमांड इतनी है. अभी जहां पर सप्लाई इतनी ज्यादा है कि 100 लोग खड़े हैं और काम मिलेगा किसी एक को, तो वहां पे जो बाकी के 99 लोग हैं वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, वो उस पर्टिकुलर एक वो एक इंसान बनने के लिए. तो यही चक्कर है. तो बुराई इंडस्ट्री में नहीं है, बुराई इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, बुराई हमारे अपने अंदर है. हम लोगों को आने से पहले खुद को एनालाइज करना चाहिए कि हमको एक्टिंग करने के लिए हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे. हम स्ट्रगल से जो चीज उसने उठाई वो चीज उसने ऑडियंस को दिखाई. अगर वो उन्होंने ऐसा नहीं है कि भाई वो अपनी रियल लाइफ में बिल्कुल ही बिल्कुल रोमांटिक नहीं है और रियल लाइफ के अंदर पूरा इतना बढ़िया से रोमांस को दर्शा दिया, और वो ऐसे दर्शाया रोमांस को कि वो बंदा जो स्क्रीन पे फील कर रहा है वो उसकी आंखों में दिख रहा है और आप इधर ऑडियंस में बैठकर रो रहे हैं, उसने रोमांस को फील किया होगा तभी. उसने जिस हिसाब से रोमांस को फील किया है उसने 10% ही पर्दे पर उतारा है. यू नो मस्ट बी वेरी रोमांटिक मैन. तो आपके अंदर कुछ और चीज अच्छी हो सकती है, तो उसके हिसाब से इंसान को चलना चाहिए, अपना करियर डिसाइड करना चाहिए. हमारे यहाँ डिमांड कम है, सप्लाई इतनी ज्यादा है, तो कोई भी इंडस्ट्री हो जहां सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी वहां पे अच्छा बुरा चीजें हो सकती हैं. तो हमने आपको इतने सारे रोल्स में अलग अलग कैरेक्टर्स में आज तक देखा है, तो आप अपने बारे में बताना चाहेंगे. टेल अस अबाउट योरसेल्फ. मैं अपने बारे में बताने के बजाय ना, मैंने एक्चुअली जैसे आपने मेरा प्रोफाइल सर्च किया होगा, मैंने भी आपका प्रोफाइल सर्च किया है, एंड यू सिंग प्रीटी वेल आई मस्ट से. माय वाइफ आल्सो सिंग्स, शी इज अ सिंगर एंड शी टीचेस आल्सो, एंड माय डॉटर आल्सो सिंग्स. एंड मैं अच्छा गाना सुनने का मैं बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना गाना कहीं अच्छा चल रहा हो तो मैं रुक जाता हूँ बाकी सारे काम छोड़ के. तो आपसे एक डिमांड है मेरी, आपको गाना तो सुनाना ही पड़ेगा. जी बिल्कुल. तो मैं अपने बारे में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे आपके बारे में आपसे गाना सुनना है बढ़िया सा. बिल्कुल, पहले मैं आपको गाना सुनाती हूँ. हाँ प्लीज. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना, जिंदा हूं मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छोड़ो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा. Marvelous, marvelous. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आज जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ये बात सबको बोलना चाहूंगा कि एक मर्द का गाना जब एक फीमेल गाती है तो उसके लिए मतलब ऐसा है कि आप ये लगा लो कि जैसे हम रेलवे ट्रैक के ऊपर साइकिल चला रहे हो,
और आपने जो वो ऊपर का उठाया है वो बहुत बढ़िया उठाया, वो बहुत बढ़िया उठाया, वेरी नाइस वेरी नाइस, मजा आ गया मुझे सुन के। सोनू निगम ने बहुत उसको वो ऊपर लेकर, आई लव्ड इट एंड दिस सॉन्ग इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। तो हम लोग जब शादी के बाद जब ये गाना रिलीज हुआ तो वी स्पेशली बॉट ए JBL का स्पीकर और हम लोग उसके बाद वो ये गाना रिपीट पर रहता था, तो ये चलता ही रहता था पूरी रात चलता रहता था ये वाला गाना, कम से कम 3-4 घंटे एवरी नाइट वी यूज्ड टू लिसन टू दिस सॉन्ग। तो जैसे कि मैम गाती हैं, आपकी डॉटर गाती हैं, तो आप नहीं गाते? मैं तो अभी सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना कोई। मैं गाता हूँ लेकिन फिर पब्लिक सुन नहीं पाती है, दिक्कत ही होती है। तो आप अपने बारे में कुछ बता रहे थे ना? हाँ जी, आप प्लीज, मैं भूल गया आपका गाना सुन के। वाल प्लीज फिर से पूछ लीजिए। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं तो हमने आपको अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा है, तो आप अपने मतलब आप अपने बारे में कुछ पब्लिक को बताना चाहें? देखिए, इफ यू आर आस्किंग मी कि मैंने जितने कैरेक्टर्स किए हैं उसमें कौन सा कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैंने एक शो आता था दो दिल बंधे एक डोरी से, तो उसमें मैंने राजस्थानी कैरेक्टर किया था, उसमें मेरे को मैं विग विग लगती थी पूरा एकदम उस टाइप का था, थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिव ग्रे शेड था उसमें, और कि इंसान वो ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा सा इनसिक्योर है, थोड़ा सा जलता है, तो वो कुछ हरकतें इधर उधर की कर जाता है, तो वो कैरेक्टर मेरे को बहुत मजा आ रहा था करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है कि मुझे बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था उन्होंने, तो मेरे पास काम करने का बहुत ज्यादा स्कोप था, मैं बंधा हुआ नहीं था किसी भी चीज में, कि मैं कुछ भी कर सकता था उसमें। वो कैरेक्टर इस हिसाब का था, रुपेश नाम था उस कैरेक्टर का, एंड आई जस्ट लव दैट कैरेक्टर, मुझे बहुत मजा आया था वो। हालांकि मैंने आप कह लीजिए कि केमियो था तो 1-1.5 महीने के लिए ही किया, एंड उसके साथ साथ दूसरा शो मेरा शुरू हो गया था, ये है मोहब्बत है, तो आई कुडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट शो, बट वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो बहुत मजेदार था, मेरे को वो कैरेक्टर करने में बहुत ज्यादा मजा आया था, वो राजस्थानी कैरेक्टर था। हालांकि बॉलीवुड बोल रहा हूँ, हम लोग जब टीवी करते हैं तो हम लोग ऐसी एक लैंग्वेज हम लोगों को रखनी पड़ती है जो सब लोग, जिसे साउथ में बैठा हुआ आदमी भी समझ पाए, सो उस पर राजस्थानी टच तो नहीं दिया था उतना ज्यादा हम लोगों ने, हिंदी वी स्टक टू हिंदी ओनली। तो वो कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, और एक हरियाणवी कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, देवांशी सीरियल आता था कलर्स पे, तो चूंकि मैं हरियाणा से हूं तो मुझे हरियाणवी प्ले करने में बहुत मजा आया, तो वो कैरेक्टर भी मुझे मेरे काफी करीब था, लेकिन वो दोनों शो ये है मोहब्बतें के साथ ही थे, और उतने ज्यादा ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो दे वर नॉट द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज, दे वर लाइक एवरेज शोज, बट आई लव बोथ दीज कैरेक्टर, दोज कैरेक्टर्स प्रीटी मच। तो ये है मोहब्बतें तो काफी हिट शो है, मतलब रहा है और बहुत सब लोगों ने पसंद किया, तो आप उस शो की मतलब मैं कैसे जुड़े आप उस शो में? यार, ये है मोहब्बतें से जुड़ने की भी ना कहानी है एक्चुअली। मैंने अपना मैंने जब ये अपना मैं एक वॉन्डरिंग सोल्स के ऊपर मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं एक बना रहा हूँ माय YHM जर्नी, तो उसके Part 1 and Part 2 में मैंने बताई थी ये बात, फिर भी मैं थोड़ा सा छोटे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि मैंने बालाजी में काम किया था ऑलमोस्ट 2004 and 2005 में, और उसके बाद सीधा मैंने 2013 में मुझे ये है मोहब्बतें मिला, ठीक है, लेकिन उसके जो बीच का सफर है ना, आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट इन टू बालाजी, और बालाजी में क्या है कि कास्टिंग कौन करता है कौन नहीं करता पता नहीं चलता, किसी भी नए शो की कास्टिंग कौन कर रहा है कौन नहीं करना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पंचर इन, यू नो। तो मुझे कहीं से एक कॉन्टैक्ट मिला, मैंने कॉल किया और मैं ऑडिशन देने के लिए गया, उस समय मुझे नहीं होती थी मेरी, और मैंने कुछ ये ऑडिशन दिया था ऑलमोस्ट लाइक सितंबर 2012 के आसपास, ठीक है, तो मैंने वो ऑडिशन दिया तो उसमें कुछ हुआ नहीं मेरा खास, तो मुझे पूछे नहीं थी, ऐसी था मैं, ऐसी दिखता था जैसा, मतलब विदाउट मोस्टैचेस, तो मैंने दिया, तो वो जीजा जी का कैरेक्टर था कुछ उसमें, बाला का ही सेम कैरेक्टर, बट मुझे नाम भूल गया था, तो मैंने वो ऑडिशन दिया और मैं दे दबा के घर आ गया, बहुत फॉलो अप किया मैंने, नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने 2013 में जैन में मैंने बानी इशदा सलमा
मैंने साइन किया और उस शो के लिए मैंने मूछे रखी। तो मुझे जैन गया, फेब गया, मार्च के अंदर, मार्च या अप्रैल, अप्रैल में मुझे बालाजी से कॉल आया कि सर आपको ना एक ऑडिशन देना है, बालाजी में हमारा एक शो है आ रहा है नया, कस्टडी के नाम से, कस्टडी एक बुक है जिसके ऊपर यह मोहब्बतें बेस्ड था, तो वो शो आ रहा है, तो आप प्लीज आइए ऑडिशन देने के लिए। तो हालांकि मैं उसके लिए ऑडिशन दे चुका था पहले, तो मैंने कहा यार छोड़, पहले डिफरेंट लुक में दिया था तो मैं क्यों बताऊं कि मैं दे चुका हूं पहले, हो सकता है किसी और अच्छे कैरेक्टर के लिए हो या किसी और शो के लिए हो, बट मुझे समझ में आ रहा था कि किस चीज के लिए क्या है। तो मैं गया वहां पे, तो मैंने ऑडिशन दिया, तो अच्छा तीन चार लाइन नहीं थी, ज्यादा कुछ था नहीं, ढाई तीन लाइन थी, ढाई लाइन कि इशू तुम बंदू की बात सुनो, बंदू ठीक कह रही है, बस ये था ऑडिशन। कुछ ऐसी थी दो ढाई लाइन, तो वो बोली मैंने, तो उसके बाद कॉल आ गया प्रोडक्शन हाउस से, ये वो कर करा के, तो वो कब कैसे, मतलब वाइल आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू बालाजी, तो नहीं मिला, तो मेरी ये मूछे मुझे बालाजी के अंदर ले गई। तो बिकॉज ऑफ दीज मॉस्टैचेस आई गॉट ये मोहब्बत है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा फील है। वो एक कैरेक्टर का उनको लुक आया होगा, तो इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि हाँ ये फिट है। हाँ मे बी उनको लगा होगा कि ये साउथ इंडियन गोरे गोरे भी होते हैं साउथ इंडियन, लाइक अगर जो ब्राह्मण फैमिली से जो होते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि, तो दे आर वेरी फेयर, तो मुझे बताया गया कि क्यों बीच में, क्योंकि मेरे को एक बार मूछे भी साफ करने की मैंने कोशिश की, क्योंकि मेरे साथ मेरा इतना ज्यादा शूट नहीं हो रहा था ये मोहब्बत है, और मेरा ये जो लुक है ये मेरा एड्स वगैरह के लिए ज्यादा फिट नहीं बैठता है ना, तो मैं एड पर्सन हूं, मैंने 50-60 कमर्शियल किए हुए ऑलरेडी, तो मुझे लगा कि यार ये अभी मैं मूछे उड़ा देता हूँ, बहुत हो गया, तो मैंने मूछे उड़ा दी, तो मैंने जैसे मूछे उड़ाई मेरे को सीरियल से मतलब निकालने वाली नौबत आ गई थी, वो कहते नहीं मूछे नहीं उड़ा दिए, तो फिर धीरे धीरे करके मतलब उन्होंने पुरानी जो से बोलते हैं आर्टिफिशियल मोस्टैच के साथ भी शूट करने की कोशिश की, सब किया, उनको मजा नहीं आया, फिर उन्होंने कैरेक्टर में जब लीप हुआ तो उन्होंने ऐसा एंट्री दिखाया कि सब लोग 5-5 साल बड़े हुए हैं और बाला जवान हो गया, उसने अपनी मूछे मूछे निकाल दी, ये सब कर दिया। तो सेट मतलब जैसे सीरियल तो काफी हंसी में मतलब घुला मिला फैमिली शो है, तो सेट पर भी सब ऐसे ही रहते थे? हाँ हाँ, कौन किसके कमरे में होता था पता ही नहीं होता था, जो एडीज होते थे उनको ढूंढना ही जाना पड़ता था कि कौन किधर है किसको, सब अपने जो जैसे सिम्मी मिहिका, हाँ। अभी वाली मिहिका जो नई वाली मिहिका है वो सिम्मी मिहिका कृष्णा एंड रूही आदिति भाटिया, दे फोर आर वेरी थिक फ्रेंड्स, एंड ये चारों कभी इन चारों के कमरे में से ये चारों मिलते थे, तो ये ऐसा होता था कि भाई और मैं मोस्टली होता था कौशल सर और अभय जी के साथ बैठा रहता था मैं, तो मेरी उन लोगों के साथ ज्यादा बनती थी, अनुराग भी, तो हम लोग ऐसे तीन तीन चार चार लोगों के ग्रुप्स ऐसा बनाकर अपने अपने कमरों में, क्योंकि वहां पे मेकअप रूम्स क्या होते ज्यादा बड़े नहीं होते, तो तीन चार लोग भी एक बार बैठ जाएं तो मतलब इतनी भीड़ होगी कि फिर आप तिल भी नहीं धर सकते अंदर उसमें, तो इस हिसाब से वी ऑल वर वेरी गुड विद ईच अदर, मतलब कभी कभार तो डायरेक्टर्स सेट छोड़ के चले जाते थे कि भाई इतनी ज्यादा बातें होती है यहाँ पे, क्या होता है शो जब सक्सेसफुल हो जाता है 3-4 साल चल जाता है तो हाँ सब लोग फिर वो फैमिली जैसी चीज हो जाती है ना, तो लोगों को लगता ही नहीं है कि शूट करने के लिए आए, तो डायरेक्टर्स को हमें जगाना पड़ता था, हेलो यहाँ पे यू आर हेयर ऑन द सेट फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, यू कैन नॉट बी जस्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा तो अगेंस्ट है कि इंडस्ट्री में आके हीरो बनना है, तो आपको क्या इंस्पायर करा कि हाँ एक्टर बनना, क्या इंस्पायर करा, क्या इंस्पायर किया? हाँ मुझे करना, हाँ मैंने एक्चुअली ना बनना मुझे एक्टर ही था शुरू से, तो देखिए इंस्पायर कुछ नहीं किया, ये क्या होता है ये चीजें ना इनबिल्ट होती हैं, है ना, जैसे अभी मेरी डॉटर है तो वो भागती बहुत तेज थी बचपन में, टांगे बहुत ज्यादा मारती थी, तो मुझे लगा था कि ये रनिंग में कुछ करेगी और इधर शील बिकम ए स्विमर या ऐसा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना सीखा ना तो उसने बोला पापा आई वॉन्ट टू बी ए सिंगर, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप एक्टिंग करोगे पापा के साथ, हम लोग इतना अच्छे, आपको बहुत फेम मिलेगा, आप टीवी पर आओगे ऐसा वैसा, तो कहते नो आई डोंट लाइक एक्टिंग,
आई वॉन्ट टू सिंग. तो अभी ये क्या होता है, ये चीजें इनबिल्ट हैं, ये भगवान की देन है, भगवान आपको डालकर भेजता है. तो मैं जब छोटा था ना, तो मैं ऐसा मेरी कजन आती थी तो मैं भूत बनकर उनको डराता था, ऐसा चादर वादर ऊपर लेकर ऐसा भूत भूत बनकर डराता था. तो ये कीड़ा तो एक्टिंग का बचपन से ही था. तो आई ट्राइड मेनी थिंग्स टू कन्विंस माई सेल्फ कि दिस दैट एक्टिंग इज नॉट ए राइट जॉब फॉर मी. आई कन्विंस्ड माई सेल्फ अ लॉट. मैंने मार्केटिंग भी की है, मैंने सेल्स किया है, मैंने आप लगा लो मैंने घर घर जाके डिक्शनरीज भी बेची हुई है, बुक्स बेची हुई है. आई स्ट्रगल्ड अ लॉट ये ढूंढने के लिए कि भाई मेरा स्किल सेट क्या है, कि मैं कौन सी चीज में मैं ज्यादा अच्छा फिट बैठता हूँ. बट जब जब मैंने एक्टिंग से दूर जाने की कोशिश की ना, ये इट केम टूवर्ड्स मी एज ए स्लैप. मुझे एक थप्पड़ के जैसा ऐसा आता था कि भाई नहीं तुमको एक्टिंग ही करनी है. ऐसा मतलब मैं रात को सोता था तो मैं उठकर 2:30-3 बजे के आसपास ऐसा मिरर में देखने बैठ जाता था अपने आप को. फिर ऐसा ही मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, भाई मैं रोना शुरू कर देता था. मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं रोना, यू आर जस्ट लुकिंग योर सेल्फ एंड योर आईज आर बिकमिंग रेड एंड टीयर्स आर फ्लोइंग, टीयर्स विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दैट. तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे ये मेरी ये जो अंदर की जो एक्टिंग है ये निकलनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मेरे दिमाग को असर कर देगी, मैं पागल हो जाऊंगा. तो मेरे को रातों को जब मैंने जागना शुरू कर दिया तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे एक्टिंग ही करनी है. तो ये ऑलमोस्ट आई वॉज 22 or 23 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर. आजकल की तो यार जो जनरेशन है काफी ज्यादा जागरूक है, 15-16 साल के उम्र में ही लोग टिकटॉक बनाने शुरू कर देते हैं एंड दे नो दैट दे वॉन्ट टू एक्ट ऑर नो. तो 20-22 साल की उम्र तक उनका करियर डिसाइड हो जाता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना. जबकि मैं 22-23 की उम्र तक मैं आई वाज स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग. तो मैंने 22-23 की उम्र तक मेरे को ये समझ में आ गया था कि मुझे एक्टर बनना है, कैसे बनना है ये नहीं समझ में आ रहा था. तो आई स्टार्टेड डूइंग छोटी छोटी जॉब्स, पैसे सेव करने शुरू कर दिए. फिर पैसे सेव करके मैंने कोर्स किया मॉम से अपने पैसे लेके मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का. फिर वो जॉब की, फिर जॉब से दिल्ली गया, फिर दिल्ली से बॉम्बे आया, फिर स्ट्रगल शुरू की. तो दिस इज हाउ ऑल इट ऑल हैपेंड. एक्चुअली प्लान्ड कुछ भी नहीं, प्लान्ड मेरा कुछ भी नहीं था कि मेरे को मैं ऐसे करूंगा. मतलब उतने पैसे नहीं होते थे मेरे पास, मिडिल क्लास फैमिली से था, पेरेंट्स से ले नहीं सकते थे क्योंकि उनके खुद के रिसोर्सेज लिमिटेड थे. तो मुझे ये था कि जो भी करना है अपने आप ही करना है. तो जब आप अपने आप करने वाले होते हो, अपनी जंग लड़ रहे होते हो, फिर आप खुद कमा कर आपको खुद ही इन्वेस्ट करना है, तो फिर देन पीपल ऑल्सो डोंट बॉदर यू दैट मच. तो ये एक्चुअली इट हैपेंड, अभी ये हो गया, मुझे बनना भी था और ये हो भी गया साथ में. जी तो अगर आप एक्टर नहीं होते तो फिर भी आप क्या बनना चाहते थे इसके अलावा कुछ और? यार ये अभी एक ऐसा सवाल है कि मतलब मुझे नहीं पता, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं क्या करता, मुझे सीरियसली नहीं पता. लोग बोलते हैं कि मैं ये होता मैं वो होता. द लास्ट जॉब आई स्टार्टेड डूइंग सीए मैंने ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया था टू बाय सम टाइम फ्रॉम माय पेरेंट्स टिल द टाइम आई कैन डिसाइड दैट व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. सो सीए शुरू की थी मैंने. फिर आई वाज अ स्टूडियस गाय. मैं अगर मैं पढ़ता मन लगाकर तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता था, शायद मैं सीए होता शायद. मतलब 99.99% चांस है कि मैं नहीं होता, लेकिन 0.1% चांस है कि मैं हो सकता था अगर मैं चाहता तो. तो इतने सारे कैरेक्टर आपने अभी तक प्ले करे हैं, तो सबसे डिफिकल्ट कौन सा रहा आपको प्ले करने के? यार मेरे लिए ना कैरेक्टर प्ले करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता. मेरे लिए कुछ इमोशंस हैं जिनको मैं पोर्ट्रे करने से मैं बड़ा डरता हूं, और वो मैं वो इमोशंस पोर्ट्रे करने बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं. जैसे जब मैं ये मोहब्बतें कर रहा था, मैंने बहुत ज्यादा रोमांस वगैरह सीन्स नहीं किया. मैंने मारा बहुत लोगों को है, मैं 6 फीट लंबा गोरा चिट्टा आदमी पंजाबी लगता हूँ, तो मुझे उस टाइप के कभी कभार रोल्स मिल जाते हैं जिसमें थोड़ा सा मतलब ठुकाई पिटाई वाला जितना भी जिम्मा होता है वो मेरा ही होता है. जैसे बालाजी के अंदर भी मैंने 5-6 लोगों के साथ मेरे लड़ाई झगड़े हुए ऑन स्क्रीन, नॉट ऑफ स्क्रीन. तो
जैसे मेरे मिहिर को पीटा और अपना अनुराग को पीटा, फिर एक अली को, अली के साथ भी था स्कफल थोड़ा सा, शायद उसको भी पीटा था, पता नहीं मेरे ऐसे चार पांच टाइप के झगड़े थे। लेकिन रोमांस एक ऐसी चीज है मेरे को, आई एम ए रोमांटिक पर्सन, लेकिन मुझे ऑन स्क्रीन रोमांस करने में ना मेरी हालत टाइट हो जाती, मैं बता नहीं सकता हूं। मतलब हम लोग जो आप अभी रोमांस की एक्टिंग कैसे करोगे, मुझे वो मुझे समझ में नहीं आता। मतलब यू हैव टू एक्चुअली गेट इन टू द सीन, यू हैव टू फॉल इन लव विद द अदर पर्सन। तो मैं बाकी सब तो एक्टिंग मैंने सीखी हुई है, लेकिन रोमांस की एक्टिंग करते हुए मेरी मतलब लिटरली हालत खराब हो जाती है। मैं कोई सीन कर रहा था तो मुझे बंदू का हाथ पकड़ना था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मुझे बोला यू हैव गॉट स्वेटी पाम्स। मैंने कहा या आई गेट नर्वस व्हेन आई हैव टू डू रोमांटिक सीन्स एंड ऑल। तो डिफिकल्ट कैरेक्टर्स डिफिकल्ट नहीं थे, बट कुछ एक सीन्स हैं जो मेरे को थोड़ा सा नर्वस कर जाते हैं, तो रोमांटिक सीन्स में मैं थोड़ा सा बफर जाता हूं। तो जब सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई वीकनेस होती है, तो आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, यार मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो मेरी पेशेंस है, वो मेरी पेशेंस है। मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा पेशेंट आदमी हूं, मुझे किसी भी चीज की जल्दी नहीं है लाइफ में। तो मैं YHM के शूट पे, ये है मोहब्बत के शूट पे, आई रिमेम्बर एक दिन मैंने अपने शॉट के लिए 11.5 घंटे इंतजार किया था, 11.5 घंटे एक ही जगह पर बैठे बैठे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ये मेरा टेस्ट है, आज मुझे बैठना ही है। तो सर बस अभी बता रहा हूँ, सर बस अभी 1/2 घंटा दीजिए, सर अभी 1 घंटा दीजिए, सर बस आ गया, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ऐसा कर करके वो शेड्यूलर ने 11.5 घंटे मेरे खराब किए। और मैं उसको बोल रहा था, मैंने भाई मुझे घर भेज दे, मुझे मत देना तू आज का पैसा, मत देना मुझे नहीं चाहिए पैसा, लेकिन इस तरीके से दुखी मत कर कि मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। उसने कहा सर मैं दुखी नहीं कर रहा हूँ, द ओनली थिंग इज दिस कि ऊपर से सीन आने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। अगर मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाऊं लाइफ में तो पीपल अराउंड मी दिल टेक मी मोर सीरियसली। अगर मैं थोड़ा सा अंदर से ऐसा हो जाऊं कि भाई कि मेरे को आप अगर मेरे को इतना बड़ा अगर आप मेरे को वेट करवा रहे हो, तो मैं थोड़ा सा अगर इम्पेशेंट हो जाऊं तो, क्योंकि मैं जब मार्केटिंग करता था, जब मैं सेल्स की जॉब करता था ना, तो हम लोगों को ये चीज सिखाई जाती थी दैट यू हैव टू बी इम्पेशेंट। अगर आप इम्पेशेंट नहीं रहोगे तो आप एक ही कस्टमर के पास आपके बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी विद दैट कस्टमर। टेल देम दैट यू आर बिजी, आपको बेशक आप फिर बाहर जाके चाय पियो, सिगरेट पियो, जो भी आपके शौक है वो पूरे करो, बट टेल देम डोंट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम विद अ कस्टमर। एंड आई थिंक माय पेशेंस इज वन ऑफ द वीकनेस आल्सो। बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं आपको, तो आप उनके बारे में भी उनका नाम ले दीजिए। या मयंक बोल रहा है मैम यू आर सो ब्यूटीफुल स्पेशली व्हेन यू स्माइल। थैंक यू मयंक, थैंक यू बोल दिया है भैया आपको। तो आप मुझे सवाल पढ़ के बताएं, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये क्या है कि अभी मैं थोड़ा सा उम्र दराज हो गया हूँ तो मुझे नजदीक का चश्मा लगा हुआ, तो आप मुझे पढ़ कर बताएं। मयूर करके कह रहे हैं कि आप कैसे हैं और आप नाम ले लीजिए। हाय मयूर, आई एम गुड, आई एम गुड। भविता शाह, हाँ ये क्या कह रही है, वो भी कह रही है नाम ले लीजिए और कह रहे हैं यू आर लुकिंग गुड इन ग्लासेस, यू आर लुकिंग गुड इन ग्लासेस। थैंक यू सो मच। ये मैं मुझे सब लोग बोलते थे पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, तो 10th स्टैंडर्ड में मैं इतना पढ़ा कि मुझे यार स्पेक्स लग गए सच में। तो मैं मुझे 10th स्टैंडर्ड के 15 साल की उम्र से स्पेक्स लगे, पहले दूर का था, अभी 40 के बाद बोलते नजदीक का आना शुरू हो जाता है, तो अभी नजदीक का नंबर आ गया एंड दीज आर प्रोग्रेसिव ग्लासेस, तो मुझे कुछ भी पढ़ना पड़ता तो ऐसे करके पढ़ना पड़ता ऐसा। हाय पंकज सर, हाउ आर यू, कुछ दिव्यांका जी के बारे में बताइए। दिव्यांका के बारे में, दिव्यांका इज ए वेरी सॉर्टेड पर्सन। वो ना, वो ऐसी लड़की है कि ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, शी उसके जैसा मैंने कोई आज तक प्रोफेशनल इंसान नहीं देखा है। एंड
एक उस लेवल पर पहुंच के, जिस लेवल पर वो है और उस लेवल पे पहुंचकर और जितनी वो ग्राउंडेड है, शी इज वेरी ग्राउंडेड. मैं मतलब उसे दिव्यांका से फर्स्ट टाइम मैं मिला था अराउंड इन 2006 बनू मैं तेरी दुल्हन. तो 2006 में मैं उनसे मिला था और अभी 2020 ड्यूरिंग दैट टाइम 2006 में उनका फर्स्ट शो था बनू मैं तेरी दुल्हन, तब से लेकर अब तक शी हैज सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड शी इज एट ए लेवल नाउ. बट लेकिन उनसे जब भी मिलो, मतलब मैं तो फिर भी आई एम ए फ्रेंड, आई एम लाइक ए फ्रेंड टू हर, बट वो किसी ऐसे छोटे से छोटे आदमी से भी मिलेंगी तो वो एकदम उसके जैसा ही, उसके लेवल पर आके ही मिलती हैं. यही दिव्यांका की सबसे बड़ी खूबसूरती है उसकी. और मुझे ऐसा लगता है वो जैसे वो 20-22 की उम्र में घर से चली थी, वो आज की डेट में भी वैसे ही है, उतनी ही प्योर है, उतनी ही ग्राउंडेड है. एंड आई रियली प्रे टू गॉड कि गॉड उनको बहुत ज्यादा सक्सेस दे. और मैंने दिव्यांका को एक चीज बोली हुई है, मैंने उसको बोला था, मैंने कहा यू आर नॉट मेड फॉर टेलीविजन, यू आर मेड फॉर मूवीज. और देखो फिंगर्स क्रॉस बहुत जल्द उनको कुछ अच्छा मिले, ऐसी मेरी दुआ है कि वो एक फिल्म की सक्सेस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं. अभी तक आप लोगों ने जो देखा है ऑन स्क्रीन, दैट इज ओनली 30% ऑफ हर टैलेंट. मार्क माई वर्ड्स, शी इज गोइंग टू बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा है वो. शी इज अमेजिंग. मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कई सिचुएशंस में उनके जैसा रिएक्ट करूं. जैसे दिव्यांका को आज तक मैंने कभी डांटते हुए नहीं देखा किसी को. वो इतना प्यार से बात, वो इतना प्यार से अपनी बात पोर्ट्रे करती है ना सामने वाले को, कि सामने वाला इंसान बात समझ भी जाता है, उसको जवाब मिल भी जाता है अपनी बात का. मतलब जो बात हम लोग डांट कर या गुस्से में चिल्लाकर अपना बीपी अप करके बोलते हैं, वही बात वो एकदम सॉफ्टली और बहुत ही कम शब्दों में डिलीवर कर देती हैं. आई थिंक दिस इज ए वेरी क्लासी थिंग. और ये चीज कोई भी दिव्यांका के आसपास हो उसको जरूर सीखनी चाहिए. उनका नेचर भी मतलब ऐसे टेलीविजन पे देखो तो जैसे सॉफ्ट स्पोकन है, सॉफ्ट नेचर है उनका, वैसे ही है शायद रियल लाइफ. यस यस यस, जो जैसे वो रियल लाइफ में है वैसे ही वो आप रियल लाइफ में जो होते हैं तो वो स्क्रीन पर निकल कर आता ही आता है ऑलवेज. तो आपने बताया कि आपकी डॉटर भी सिंगिंग करती है, तो अगर वो हो तो उनको बुलाइए कभी कुछ गाना. अभी दोपहर का टाइम है तो शी इज, अच्छा सुबह ऑनलाइन क्लासेस वगैरह रहती है तो बच्चे थक जाते हैं थोड़ा. हाँ. और ये कंप्यूटर पर सब ऐसा डिफरेंट थिंग, ज्यादा दिमाग ज्यादा टायर्ड हो जाता है, तो हम लोग उसे दोपहर में वी प्रेफर कि वो सो जाए. वैसे भी अभी तो सब ऑनलाइन ही चल रहा है. जी जी जी. तो जैसे अभी तक तो आपका करियर है ही अच्छा, और आगे आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? फ्यूचर 5 साल में यही देखना चाहता हूँ अपने आपको. मैं जैसा हूँ, जिस स्टेज में हूँ, बहुत खुश हूँ. Yes, career wise I want to do better roles and acha creatively I want to be more satisfied. Mujhe jo pichla show tha Ye Hai Mohabbat Hai, usme character acha tha, sab acha tha, but I really wished ki main mera us show ke andar kafi aur zyada thoda sa participation hota. Kafi sare log mujhe bolte rehte the ki sir aapki lines nahi aati, aap ye nahi, aap wo nahi. तो मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया बोलने के लिए, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि यार कुछ पार्टिसिपेशन रखो. एंड ये कंप्लेंट सिर्फ मेरी ही नहीं थी, ये हर सीरियल में बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं. मैं समझता हूँ इस बात को कि हम लोग मेन लीड्स नहीं है, आई एम ए कैरेक्टर एक्टर, तो वी कैनॉट बी देयर इन ईच एंड एवरी एपिसोड. बट लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि 10-10, 15-15 दिन का गैप हो जाता था, कुछ मुंह खोले हुए, कुछ लाइन बोले हुए, तो दैट वॉज वेरी ये एक ऐसी चीज है जो मैं चेंज करना चाहूंगा अगले 5 साल के अंदर. आई वॉन्ट टू बी मोर वर्बल इन एनी शो दैट आई डू. एंड हालांकि जो हमारे जो टीवी सीरियल्स हैं दे आर मोस्टली वुमेन ओरिएंटेड, तो मर्दों का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम रहता है. सिर्फ ऐसा है कि कुछ ऐसे सीक्वेंसेज होते हैं जहां पर हम लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है,
सो आई वॉन्ट टू चेंज दैट इन नेक्स्ट 5 years. आई वॉन्ट कि मैं जो रोल्स करूँ उसकी पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, क्योंकि अभी तक तो मैंने जो रोल्स किए हैं तो वो तो किचन चलाने के हिसाब से किए हैं. सीरियसली जो जो आता गया वैसा वैसा मिलता गया, तो वो उस हिसाब से मैंने किया है. बट आई एम लाइक ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, टू डिसाइड करना कि सीरियल से पहले तो यही बताया जाता है कि जी बहुत अच्छा रोल है, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा. जब हम लोग ऑन फ्लोर पहुंचते हैं तो परफॉर्मेंस के हिसाब से, टीआरपी के हिसाब से वो चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं. बट आई अभी 5 साल में, अगले 5 साल में आई वॉन्ट टू गेट इन टू ए शो जिसमें सबका इक्वल पार्टिसिपेशन हो, है ना. कोई ऐसे जैसे गुलदस्ते में गुल भरे होते हैं वैसे ना रहे कि गुलाब बीच में और पीछे बाकी सब झाड़ियां वाड़ियां लगा दी, उस टाइप का काम नहीं होना चाहिए. तो 5 साल में आई वॉन्ट टू बी क्रिएटिवली मोर सेटिस्फाइड एक्चुअली. यस, तो आपने तो जैसे कि एक आपने कहा था मुझे गाना गाने के लिए, तो मैं एक आपके लिए कोई ओल्ड सॉन्ग या मेरी पसंद का एक गाना गाना चाहूंगी. प्लीज 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 प्लीज. नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कैसे उतारने होंगे, मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं. इस पे क्या है कि ये जो हम जिंदगी से हैरान परेशान हो जाते हैं ना, तो इसके ऊपर मैंने एक लाइन लिखी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ. 2 लाइनें लिखी हैं कि ना मेरी मंजिल है कोई, ना मेरी मंजिल है कोई, ना ही किसी राह का राही हूं मैं. ना मेरी मंजिल है कोई, ना ही किसी राह का राही हूं मैं, बस यही सोचकर खुश हूं कि कल से बेहतर हूं मैं. बहुत अच्छा. तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं इस चीज को अगर आप अपना मंत्र बना लेंगे तो यहां से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, बहुत ही ज्यादा कंटेंट रहेंगे, बहुत ही ज्यादा सुखी रहेंगे. क्योंकि हमारे जो दुख की शुरुआत है ना, हमारे जो दुख की शुरुआत है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से होती है. देन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड वो चीज नहीं होती है तो वहीं से हमारे दुख की शुरुआत होती है. तो एक्सपेक्ट मत करो, बस ये खुश रहो कि कल से बेहतर हो. कोई बार बार लिख रहा है कि वो आपकी मम्मी, मतलब उनकी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, मयंक भदानी. और थैंक यू मयंक, थैंक यू मयंक. अपनी माता जी को मेरी तरफ से यार नमस्ते बोलिएगा. और जैन अरिहंता लिख रही है, वेरी नाइस लाइन सर. और बहुत सारे लोग आपको लिख रहे हैं. आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वॉन्डरिंग सोल्स, WANDERING, वॉन्डरिंग एंड जो पांव का तला होता है सोल्स, SOLES, WANDERING, SOLES. हाँ, हितारथी ने लिखा, थैंक यू हितारथी. तो लास्ट में लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, कि आपने फैंस को या अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको लेके उनको या आपके आपके जो फैंस है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अभी यार ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकलें, जबरदस्ती बाहर ना निकलें. और अगर आप जैसे कभी घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रीट फूड ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, और कहीं पर भी इधर उधर टच मत कीजिए. तो ये चीजों की यार कोशिश कीजिए. मैं भी जा रहा हूं अभी अपने वॉन्डरिंग सोल्स के लिए, मैं भी राइड पर लोनावाला गया था, बट आई मेड श्योर कि मैं कहीं पर रुकू ना. तो मैं अपना खाना पानी सब कुछ मैं
साथ में कैरी करके लेकर गया था। तो हालांकि मैं ऐसी सिचुएशंस पे नहीं निकलता हूं बाहर, लेकिन मेरे काम के चक्कर में मुझे, अगर मेरे को अपना यूट्यूब चैनल अगर रनिंग करना है तो उसके चक्कर में मोटो ब्लॉगिंग के लिए मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं निकला बाहर। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आई एम ए वेरी केयरफुल गाय। मैं अपनी बाइक को भी टच करने से पहले उसे सैनिटाइज करता हूँ, नहीं तो आई ऑलवेज पुट माई ग्लव्स ऑन, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है ना, ऐसे खड़े रहते हैं, वो जो उसका एक्सीलेटर होता है उस पर हाथ वाथ रख देते हैं, तो जर्म्स कहीं से भी यार कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो आप प्लीज वो सब चीजों का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सही रहिए, और आप जिस भी शहर में हैं, अपना जब अभी सब कुछ खुल जाएगा तो ट्रैफिक सिग्नल्स चालू हो जाएंगे, तो ट्रैफिक रूल्स का यार हमेशा आप पालन कीजिए बस, और अपने माँ बाप की खूब रिस्पेक्ट कीजिए यार, बस यही है। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी अच्छा इंटरव्यू रहा आपके साथ। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ ट्रीट टू माई इयर्स टू लिसन टू ऑल योर सॉन्ग्स, एंड आई रियली विश की आगे भी फ्यूचर में आप मुझे बुलाएं तो हम लोग आपके और गाने सुन पाएंगे। जी बिल्कुल, मेरी भी विश है कि आपसे ऐसे वर्चुअली मिली हूँ, कभी ना कभी आपसे रियली मिलूं। आ जाइए कभी भी, अभी मेरा जब नेक्स्ट सेट रहेगा तो क्या, यू आर देयर ऑन द इंस्टाग्राम, तो आप कभी भी आ जाइए, मैसेज कीजिए मुझे, जैसे ही शो आप मुझे टीवी पर देखें कि भाई ये वाला, ये बंदे को मैंने इंटरव्यू किया था, नाउ ही इज कमिंग इन दिस सीरियल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, तो यू कैन ऑलवेज कम शूट इफ दे अलाउ। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, गिविंग अस अ लाइव इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। या सो ग्रेट इंटरव्यू विथ हिम, बहुत अच्छा लगा। आप सबके बहुत सारे मैसेजेस भी आए जिनका जवाब हमने बहुत सारे लोगों को दिया, थैंक्स अ लॉट मयंक, थैंक यू सौरव महाजन, तरुवर महाजन, थैंक यू। आप लोगों का और कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, जब हमारे पेज पर मैसेजेस करके पूछते रहते हैं। और थैंक यू सो मच हमारे पेज को इतना लाइक करने के लिए, हमारे पेज को फॉलो करने के लिए, और हमारे पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग हिम। थैंक यू हितर हीर, हाय आर डी यूर ममता, आई एम मुस्तकीम, थैंक यू सुशांत सिंह राजपूत 198, थैंक यू। थैंक यू सो मच मयंक भदानी, जी बिल्कुल जस्टिस दिलवाना ही होगा, हमारे पेज पूरी तरीके से आप लोगों के साथ है और हमारा पेज हर चीज कर रहा है। हेलो शकील शेख 28, सुशांत सिंह राजपूत 198, फॉलो माय अकाउंट, यस सर फॉलो योर अकाउंट, यस। सो ग्रेट इंटरव्यू एंड ग्रेट इंटरेक्शन टुडे, विल मीट अगेन ऑन 31 जुलाई 4 PM विथ ममता दत्ता, इंडियन एक्ट्रेस ममता दत्ता, वी टेक हर इंटरव्यू ऑन अवर पेज बॉलीवुड का खबरी पेज। सो शेयर अवर पेज, फॉलो अवर पेज एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल दैट इज वेरी न्यू, अवर यूट्यूब चैनल नेम इज बॉलीवुड का खबरी, लिंक इन अवर बायो, वी आर विथ यू ऑन योर पेज मैम, से ट्रांसफर का जस्टिस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जो सही होगा उसे सब जस्टिस मिलेगा, वन सॉन्ग प्लीज सेंड मेरा साया। मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझ
जहां चलेगा तेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तकीम मैम आप दिलीप जोशी का इंटरव्यू लीजिए। दिलीप जोशी जी जैसे ही इंस्टाग्राम पर आए, हमने उन हमारे सोर्सेज ने उन्हें ये बात करी इंटरव्यू के लिए, बट आते से आप लोगों ने देखा कि उनके फॉलोवर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और काफी ज्यादा लोग उनको प्यार करते हैं और काफी ज्यादा लोगों ने हमें भी कहा है उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका इंटरव्यू लें और जरूर लेंगे और हमारे पेज पर आप उनका इंटरव्यू जरूर लें। So bye bye, take care, all of you. We will meet on 31st July at 4 p.m.